खान साहब आज औरंगाबाद से मुंबई के लिए लॉन्ग मार्च निकाल जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आरक्षण जो 5% कांग्रेस सरकार ने दिया था, खासदार ने पिटीशन डाला था और तड़ेकर साहब एडवोकेट का ये बोलना था कि पिटीशन वापस कर दो, कोर्ट का भी व्यूज है, 5% मुस्लिम को एजुकेशन में आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन खासदार ने किसके बोलने पे, किसके कहने पे पिटीशन डाला हुआ वापस लिया, ये अल्लाह को मालूम और उनके दिल को मालूम। लेकिन हम तो पहले भी मुस्लिम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं और आने वाले समय में भी लड़ेंगे। जब तक के मुस्लिम समाज को एजुकेशन में 5% आरक्षण नहीं मिलता, हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जावेद कुरैशी ने औरंगाबाद शहर से लेकर मुंबई तक जो पैदल मार्च निकाला, हमारा पूरा समर्थन उनको है। शहरियाने औरंगाबाद का समर्थन उनको है, मुसलमानों का समर्थन उनको है और ये उन्होंने कोई अपने लिए रैली नहीं निकाल रहे। बॉम्बे तक जाना नाटक झोंक, बॉम्बे जाना बहुत बड़ी बात है, यहाँ से 400 किलोमीटर का सफ़र मंत्रालय तक कर रहे हैं, तो ये कौम और मिल्लत के लिए कर रहे हैं। कौम और मिल्लत को जो एजुकेशन में आरक्षण मिलेगा, उससे हो सकता है हमारी कौम में अनेक माँ बहनें IAS IPS बनेंगी, नौजवान साथी IAS IPS बनेंगे। हम जब तक के मुस्लिम आरक्षण नहीं मिलता, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लड़ने वाले लोग हैं। हम सरकार किसकी भी रहो, सेना की रहो, BJP की रहो, एनीबडी कोई भी सरकार रहो, हम लड़ने का काम करते हैं और लड़के हमारी कौम और मिल्लत को इंसाफ दिलाने का काम हम करेंगे, ऐसा हम कहते हैं। सर, आपके साथ आज काफिले में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हुई? देखिए, इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, अनेक पार्टी, और पार्टी पक्ष को हम बाजू रखते हैं। जहाँ कौम और मिल्लत की बात आती है, हम पार्टी को भी बाजू रखते हैं, हम पार्टी को भी इतना महत्व नहीं देते। अगर हमारी पार्टी अगर कौम और मिल्लत के बारे में नाइंसाफी करने की कोशिश करती है और साथ नहीं देती है, तो हम हमारी पार्टी को भी बाजू रखते हैं। कौम और मिल्लत की जहाँ भी बात होती है, हम पूरे डंके की चोट पे सामने आके काम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मरे दम तक ये काम हम करते रहेंगे, ऐसा हम कहते हैं। सर, ये काफिला कितने दिन में आना होगा सर मुंबई? देखिए, काफिला जो यहाँ से बॉम्बे तक है 20-22 दिन का काफिला है। 22 दिन पे मंत्रालय पे पहुंचेगा और यहाँ पर अनेक जगह पे, लिम्बे जलगांव पे, वैजापुर में, नगर में, नासिक में, योले में, हर जगह सभाएं हो रही है और सभाएं करते 22 दिन में बॉम्बे पहुंचेंगे, ऐसा हम कहते हैं। सर, आप मुंबई पहुंचेंगे तो आप निवेदन किसको देने वाले हैं? ये निवेदन मंत्रालय में जाके CM को हम निवेदन देने वाले हैं। पूरा हमारा जो पैदल मार्च यहाँ से जा रहा है और हम भी मुंबई जाएंगे, खाजा भाई है, रशीद मामू है, हमने तमाम लोगों ने डिसाइड करा कि जब बॉम्बे पहुंच जाते हैं तो हम भी मंत्रालय पे हल्ला बोलेंगे, हम भी CM को घेराव करेंगे और हम भी CM को निवेदन देंगे और आरक्षण की मांग करेंगे। कौम और मिल्लत को आरक्षण मिलना चाहिए। ये बार चार रोज जारी रहेगा, जैसा कि जावेद कुरैशी ने कहा कि अगर पैरों में छाले भी आ गए तो हम ये मार्च जारी रखेंगे और आगे तक जारी रहेगा। धीरे धीरे।
ترجمة